बॉलीवुड अभिनेत्रियों ने कई बार उन लोगों से शादी की है जो उनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी और इसका हर्जाना उन्हें इस तरह भुगतना पड़ा कि लोगों ने उन्हें काफी कुछ कहा, कई बार उनके कैरेक्टर पर सवाल उठाए तो कई बार ये तक कह डाला कि इन अभिनेत्रियों की सौतने इनसे ज्यादा खूबसूरत है। तो चलिए आज के इस वीडियो के जरिए जानते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री की आखिर कौन सी है वो अभिनेत्रियां जिनकी सौतन उनसे ज्यादा खूबसूरत है। नंबर वन पर बात करते हैं जूही चावला की। दोस्तों जूही चावला ने साल 1995 में जाने माने बिजनेसमैन जय मेहता से शादी की थी। जय मेहता ने इससे पहले सुजाता बिरला से शादी की थी लेकिन एक प्लेन हादसे में उनका देहांत हो गया, जिसके बाद जूही चावला जय मेहता के बीच नजदीकियां बढ़ी और दोनों ने शादी कर ली। हालांकि कहा जाता है कि जय मेहता की पहली पत्नी जूही चावला से बेहद खूबसूरत है। नंबर दो पर हम बात करते हैं नीलम कोठारी की। दोस्तों इस लिस्ट में नंबर दो पर नाम आता है नीलम कोठारी का, जिन्होंने समीर सोनी से शादी की है। जो आपको बता दें कि समीर सोनी से शादी करने के बाद नीलम कोठारी को कई बार कहा गया कि वो अपनी सौतन से ज्यादा खूबसूरत नहीं है। नीलम कोठारी के सौतन की अगर हम बात करें तो उनका नाम है राजलक्ष्मी। राजलक्ष्मी दिखने में बेहद खूबसूरत है। आपको बता दें कि वो इंडियन मॉडल और एक्ट्रेस भी है। इतना ही नहीं, वो राहुल रॉय की एक्स वाइफ भी रह चुकी है। समीर सोनी से उन्होंने दूसरी शादी की थी। हालांकि समीर सोनी के साथ उनका रिश्ता कुछ खास अच्छा नहीं चला और साल भर में ही उनका ये रिश्ता टूट गया था, जिसके बाद समीर सोनी ने नीलम कोठारी से शादी कर ली। आपको बता दें कि नीलम कोठारी से शादी करने के बाद समीर सोनी उनके साथ एक बेटी के पिता भी बन चुके हैं। लेकिन कई बार नीलम कोठारी के लिए कहा जाता है कि नीलम कोठारी अपनी सौतन से ज्यादा खूबसूरत नहीं दिखती हैं। इस लिस्ट में नंबर तीन पर बात करते हैं बिपाशा बसु की। वेल दोस्तों बिपाशा बसु की सौतन कोई और नहीं बल्कि टीवी इंडस्ट्री की एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट है, जो दिखने में बेहद खूबसूरत है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि बिपाशा से भी ज्यादा फिटनेस में जेनिफर विंगेट आगे हैं। इस लिस्ट में नंबर चार पर बात करते हैं करीना कपूर की। बल करीना कपूर की सौतन का नाम है अमृता सिंह। अमृता सिंह ने सैफ अली खान से पहले शादी की थी लेकिन कुछ सालों के बाद ही इन दोनों का रिश्ता टूट गया। हालांकि करीना से शादी करने के बाद करीना और सैफ के रिश्ते में काफी उतार चढ़ाव भी देखने को मिले और कई बार ये भी कहा गया कि करीना खूबसूरती के मामले में अमृता सिंह से थोड़ा कम ही है। इस लिस्ट में आखिरी नंबर पर नाम आता है करिश्मा कपूर का। दोस्तों करिश्मा कपूर भी शादीशुदा है लेकिन इस वक्त वो बतौर सिंगल मदर अपनी जिंदगी चला रही हैं। करिश्मा कपूर ने एक बार फिर से इंडस्ट्री में अपना कमबैक कर लिया है लेकिन हमेशा ये कहा जाता है कि करिश्मा कपूर खूबसूरती के मामले में अपनी सौतन से ज्यादा खूबसूरत नहीं है। आपको बता दें कि साल 2003 में करिश्मा ने संजय कपूर से शादी की थी लेकिन 2016 तक इन दोनों का रिश्ता चल पाया। हालांकि दोनों के दो बच्चे भी हैं लेकिन संजय कपूर ने करिश्मा कपूर से तलाक लेने के बाद 2017 में ही प्रिया सचदेवा से शादी कर ली थी, जो कि जानी मानी एक्ट्रेस भी रह चुकी है जिन्हें फिल्म नीलनकी में देखा गया था। हालांकि अब प्रिया सचदेवा एक्ट्रेस से हटकर एक जानी मानी बिजनेस वुमेन बन चुकी हैं। वेल दोस्तों आपको बता दें कि प्रिया सचदेवा दिखने में करिश्मा कपूर से भी ज्यादा खूबसूरत हैं। वेल आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री की इन अभिनेत्रियों के बारे में जानकर आपको कैसा लगा और इनकी सौतनों के बारे में आपकी क्या राय है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही चटपटी और मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।